Hello friends, in the previous lecture we saw the question F, and in this lecture we have to see question H. In the question H they give us some phrases near the sentence and we should fill up the phrase in the sentence and made the sentence meaningful. So students, I read the question. Insert the phrases from the brackets and rewrite the sentences. First sentence, I share a room with my sister. I share a room with my sister. And they give us one phrase in the bracket, on the first floor. On the first floor. So, the answer is, I share a room on the first floor with my sister. ये जो phrase है, ये correct room और with इसके बीच में बैठती है. और sentence तैयार कैसे हो जाता है? I share a room on the first floor with my sister. Okay, now second sentence, the boy is my brother. The boy is my brother. And the phrase is in the striped sweater. Striped sweater. जो अलग अलग कलर की पट्टियां होती है ना स्वेटर पे, वैसा स्वेटर. तो आंसर, द बॉय इन द स्ट्रिप्ड स्वेटर इज माय ब्रदर. जो बच्चा है ना वो स्ट्रिप्ड स्वेटर वाला, वो मेरा भाई है. तो दिस फ्रेज इज सिट्स बिटवीन द बॉय एंड is. It's very simple. Now third question, there was a king who had two daughters. एक राजा था, उसको दो बच्चियां थी. Daughters बच्चियां है ना. तो इसमें There was a king who had two daughters. इसमें फ्रेज डालनी है once upon a time. Once upon a time फर्स्ट में आता है. Once upon a time there was a king who had two daughters. This sentence is very simple. Now fourth one. We have lived here. We have lived here. मैं यहाँ रहता हूँ. और ब्रैकेट में फ्रेज दी है for many years. For many years. बहुत दिनों से, जैसे कि बहुत सालों से. तो ये फ्रेज कहाँ बैठती है? आई थिंक स्टार्ट ही होगा फॉर मैनी ईयर्स से. फॉर मैनी ईयर्स वी हैव लिव्ड हियर. बहुत सालों से हम यहाँ रह रहे हैं. देखो, फॉर मैनी ईयर्स वी हैव लिव्ड हियर. बहुत सालों से हम यहाँ रह रहे
हैं. ओके, नाउ द फिफ्थ सेंटेंस. द क्राउड ग्रू रेस्टलेस एंड एंग्री. रेस्टलेस एंड एंग्री, क्राउड गर्दी, भीड़ हम बोलते हैं ना उसको. ये भीड़ बेकाबू हो रही है एंड सो एंग्री. और फ्रेज बिठानी है आउटसाइड द बिल्डिंग. ओके, आउटसाइड द बिल्डिंग. सो फिर सेंटेंस कैसे तैयार होगा? देखो, जो फ्रेज है आउटसाइड द बिल्डिंग वो बैठेगी क्राउड के और ग्रू के बीच में. तो सेंटेंस तैयार होगा द क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग. द क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग ग्रू रेस्टलेस एंड एंग्री. वंस अगेन आई रिपीट, द क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग ग्रू रेस्टलेस एंड एंग्री. ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन ऑल्सो फिनिश्ड. सो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ईजी होमवर्क है. ये पांच के पांच क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे. आप क्या करो, ये पूरा अपने नोटबुक में नोट डाउन करो और मुझको व्हाट्सएप पे भेज दो. फोटोकॉपी भेज दो अपने ग्रुप पे और अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखो. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.